लघु सचिवालय के सामने पिछले 60 दिन से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर दोबारा से नौकरी बहाली की मांग को लेकर उग्र होते जा रहे हैं। पिछले 60 दिनों से आंदोलन की कड़ी में आज बड़ी तादाद में पीटीआई टीचर द्वारा अपने बच्चों के साथ गिरफ्तारियां दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के समर्थन के साथ भारी तादाद में पीटीआई टीचर इकट्ठे हुए। पीटीआई टीचर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। गौरतलब है कि पिछली सरकार में भर्ती पीटीआई टीचर न्यायालय के आदेशानुसार नौकरी से निकाल दिए गए, जो कि दोबारा से अपनी नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 60 दिनों से आंदोलन की कड़ी में आज बड़ी तादाद में पीटीआई टीचरों द्वारा अपने बच्चों के साथ गिरफ्तारियां दी गई। इसी मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। पीटीआई टीचर की गिरफ्तारियों के लिए प्रशासन द्वारा 14 से 15 बस लगाई गई थी, जिनको गिरफ्तारी देते हुए एवं नारेबाजी करते हुए पीटीआई टीचरों ने भर दिया। यहां हम आपको बता दें कि पीटीआई टीचर पिछले 60 दिनों से करनाल के लघु सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं एवं सरकार से नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में सर्व कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ व शारीरिक अध्यापक संघ के साथ साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक रिपोर्ट। और ये कर्मचारी संघ पीछे खड़ा कर दो, आगे ले जाऊंगा। हम प्रशासन से पहले नोटिस कर चुका प्रशासन को, और प्रशासन हर आदमी लगे रहने दो। कोरोना के नाम पर प्रयास भी कर रहे हैं कि महामारी से छुटकारा मिल जाए, उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। आज यह 1983 पीटीआई जो पिछले 60 दिन से आपके प्रशासन के सामने धरने पे बैठे हुए हैं, एक बात कहने का हूं खुल करके, बड़े शर्म की बात है कि कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई का नारा होता था कभी, लेकिन उस नारे को छोड़ने का काम आज कर्मचारी विशेष रूप से इस प्रशासन का करता नजर आ रहा है। यहां ऐसा नहीं है, सर्व कर्मचारी संघ हमेशा हर कर्मचारी की मांग उठाता है, चाहे वो फोर्थ क्लास है, चाहे वो क्लास वन अधिकारी आईएएस है। आज इस आंदोलन से अगर सरकार कुछ निकाल के देती है तो फायदा आप सब कर्मचारियों को होगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो करता रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ऐसे नहीं आए कि यहां कैद है कि आपको गिरफ्तार कर। भाड़िया जी पीछे जब नहीं गए, रिक्वेस्ट है, बहुत हो गया भैया। असली गिरफ्तारी है सर, मानता हूँ सर, बहुत सारी
कार्रवाई प्रशासन डीएसपी और सरकार समय रहते चेते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले पहले भी आए हुए हैं, समान काम समान वेतन का फैसला है वो लागू नहीं किया है। इन्हीं पीटीआई के लिए 4600 का जो है ग्रेड पे दिया गया वो लागू नहीं किया गया है। जो संविधान भी कहता है और सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि कच्ची भर्ती ना हो, लेकिन सरकार कच्ची भर्ती कर रही है। हम मांग करते हैं इन साथियों की जो है सेवाएं बहाल की जाए, अन्यथा आने वाला समय जो है सरकार के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.